हेलो एवरीवन, सीबीएसई क्लास सिक्स थे एंड चैप्टर नेम इज होल नंबर्स। हमारा एक्सरसाइज नंबर है 2.3। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। तो फर्स्ट है 1 + 0। ओके, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। ओके, तो वहाँ पे क्या है, हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या है, वहाँ पे 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आता है, तो वहाँ पे जो आंसर है 0 नहीं है, तो वहाँ पे आंसर हो गया इट डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ओके, सेकंड, ओके सेकंड है हमारा 0 × 0। ओके, तो उसका आंसर हो गया 0। ओके, मीन्स वॉट, इट इज रिप्रेजेंट 0, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 3, 0 / 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है 0, तो ये भी सेम है, इट इज रिप्रेजेंट 0। नेक्स्ट फोर्थ वाला है 10 - 10/2। ओके, 10 - 10 मीन्स वॉट, 0 / 2 इज इक्वल टू 0, तो आंसर 0 है, तो क्या लिखना है कि इट इज रिप्रेजेंटेड 0, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट, ओके, तो सेकंड है हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर इज 0 एंड कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो हमें जस्टिफाई करना है, उसके एग्जांपल भी हमें लिखना है सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले जो है ना, एक तो प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल 0 × 3 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, 0 × 3 करना है तो आंसर क्या होता है 0 आता है, एंड 15 × 0 इज इक्वल टू, आंसर क्या है 0 ही आता है ये। ओके, तो वहाँ पे क्या है, आंसर ही 0 आता है। एंड इफ योर प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, मतलब हम किसी का भी, हम प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर का जो आंसर होगा 0 ही रहेगा, फॉर एग्जांपल 0 × 0 इज इक्वल टू 0 ही आता है आंसर। ओके, तो यहाँ पे हेंस प्रूफ है, यस इफ द प्रोडक्ट टू होल नंबर इज 0 देन बोथ देम विल बी 0, यह हमें कंक्लूजन या आंसर लिखना है। ओके, ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर्स इज 1 एंड कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1 एंड जस्टिफाई थ्रू द एग्जांपल। सबसे पहले हमें एग्जांपल भी लिखना है। ओके, तो ये जो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट, वहाँ पे है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज क्या है, 1 है। ओके, एंड बोथ जो नंबर्स है ना, शुड बी
इक्वल टू जी इक्वल टू वन. ओके फॉर एग्जांपल मतलब वन मल्टीप्लाई वन होगा तो आंसर क्या होगा, वन ही होगा ना. और एग्जांपल और एक एग्जांपल है, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव होगा तो आंसर फाइव ही होगा, वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स होगा तो आंसर सिक्स ही होगा. मतलब वन से ही हमें मल्टीप्लाई करना है. तो वहाँ पे हैंस प्रूफ है कि ओनली इन सिचुएशन व्हेन बोथ नंबर्स टू बी मल्टीप्लाई आर वन. ओके वन से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ओके नेक्स्ट है हमारा, ओके फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट है 728 मल्टीप्लाई बाय 101. ओके तो वहाँ पे हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है. ओके 128 एज इट इज़ लिखना है मल्टीप्लाई बाय, वहाँ पे हमें 101 को क्या लिखना है, 100 प्लस वन. ओके 100 प्लस वन इज इक्वल टू क्या है इसको, 101 आता है. तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 728. ओके इसका हमें क्या मल्टीप्लाई लेना है, इसका जो मल्टीप्लाई करना है 72800 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1728 आएगा. तो वहाँ पे एडिशन करेंगे फिर आंसर होगा 73528. ये हमारा फाइनल आंसर है. ओके नेक्स्ट सेकंड है हमारा 5437 मल्टीप्लाई बाय 1001. ओके तो सबसे पहले हमें 5437 मल्टीप्लाई बाय इसका हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है. मतलब क्या है वहाँ पे 1000 प्लस 1 लेना है एंड वहाँ से क्या करना है, दोनों से भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5437 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 5437 मल्टीप्लाई बाय 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर होगा 5437123 होगा वहाँ पे एंड वहाँ पे मल्टीप्लाई सेम ही होगा 5437 वहाँ पे एडिशन करना है. तो आंसर होगा 5442437. ये हमारा फाइनल आंसर है. ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा 824 मल्टीप्लाई बाय 25. ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करना है. मतलब 800 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 25. ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट 800 जो वहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 25 and 25 हमें कॉमन लेना है. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 25 - 1 इज इक्वल टू 24 आता है. ओके ये सेम टू सेम है. तो फिर 800 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 25 आता है. ओके तो वहाँ पे क्या करना है, एक तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा. मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का ये होगा. ओके मल्टीप्लाई इन दोनों का भी हमें क्या लेना है, मल्टीप्लाई लेना है. 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आता है, 225 माइनस ये 25 एज इट इज़ लिखना है. ओके तो वहाँ पे हमें यहाँ पे 20,000 प्लस इन दोनों का माइनस 600 होगा एंड
फाइनल आंसर होगा 20600, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके फोर्थ वाला है हमारा 504 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5। ओके तो ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर का हमें यूज़ करना है, तो 0504 मतलब क्या है 500 + 4 मल्टीप्लाई बाय 35 एंड 35 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 500 × 35 + 35 × 4। ओके तो यहाँ पे इस दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 17500 + 140 हमें एडिशन करना है, तो फाइनल आंसर होगा 16 17640। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि हमें स्टडी द पैटर्न। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा कि सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया है 2 ऐड किया है। ओके एंड यहाँ पे हमने क्या किया है 3 ऐड किया है ये। ओके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ऐड किया है, यहाँ पे 3 ऐड किया है, अंडरस्टूड दिस। एंड वहाँ पे क्या है 8 जो है ना कॉमन है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। ओके एंड वहाँ पे हमें एक तो राइट द नेक्स्ट 2 नंबर स्टेप, कैन यू हैव द पैटर्न ऑफ द वर्क, तो ये हमें निकालना है। ओके ये हिंट यूज करके हमें आंसर निकालना है। ओके ओके तो यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हमने 8 मतलब 9 में से कम लिया है, हमने मतलब कम किया है। ओके यहाँ पे 9 है, 8 है, तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 5 होगा, अंडरस्टूड। यहाँ पे जो पैटर्न शुरू है, ओके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। ओके ऐसा पैटर्न शुरू है वहाँ पे। ओके तो सबसे पहले हमें 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 8 + 6 = ये पैटर्न का जो आंसर है 9 8 7 6 5 4 होगा। ओके एंड वहाँ पे तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 + 7 लेना है। वहाँ पे भी इन सब का क्या होता है 9 8 7 6 5 4 3। ओके यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है 3 ऐड किया है। ओके तो यहाँ पे क्या है गिवन है, गिवन क्या है वहाँ पे हिंट जो है ना, तो वहाँ पे लिखा है ना ये 1 2 3 4 5 6 ये तो गिवन है, इज इक्वल टू क्या है 1 1 1 1 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 3 6 है 6 है, यहाँ पे 5 होगा, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वहाँ पे जो पैटर्न का हमें गिवन है। ओके यहाँ पे 1 1 1 है ना, हमने कम किया है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 3 2 1। ओके वहाँ पे भी हमें क्या करना है यूज़ करना है इस पैटर्न का। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सेम लिखना है ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस
वन टू थ्री फोर फाइव प्लस वन टू थ्री फोर प्लस वन टू थ्री प्लस सेकेंड प्लस वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एट लेना है। ओके, तो वहाँ पे एट है ना, इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय एट प्लस वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लाई बाय एट प्लस वन टू थ्री फोर मल्टीप्लाई बाय एट वन टू थ्री मल्टीप्लाई बाय एट प्लस वन टू मल्टीप्लाई बाय एट प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एट। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ओनली इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओनली मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट का क्या होगा, एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस वन टू थ्री फोर फाइव प्लस वन टू थ्री फोर वन टू थ्री एट एट प्लस एट। तो इसका जो एडिशन होगा आंसर होगा नाइन एट सेवन सिक्स फोर सिक्स। ओके, ओके, तो वहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय एट प्लस सिक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यही ये जो नंबर है ना वो लिखना है नाइन एट, वहाँ पे जगह नहीं है तो आगे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आंसर वन नाइन एट सेवन सिक्स फोर एट प्लस सिक्स, उसका जो एडिशन है वो आंसर होगा नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर होगा। ओके, मीन्स वॉट, ईयर ईयर पैटर्न वर्क, ये जो पैटर्न है ना वहाँ पे वर्क का वर्क हो रहा है। ये तो सिक्स का हो गया, अब हम करना है सेवन का निकालना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाय एट इज इक्वल प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री। ओके, वहाँ पे भी वही हमें वो जो हिंट है ना वहाँ पे हमें यूज़ करना है। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय एट इज इक्वल टू वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाई प्लस प्लस लेना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे फाइव होगा फोर थ्री टू प्लस वन, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय एट लेना है। ओके, तो वहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई बाय एट मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेना है, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर प्लस वन टू थ्री यहाँ पे टू यहाँ पे एट, इन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो आंसर है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव थ्री सिक्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमें ये लिखना है कि यस हियर द पैटर्न वर्क्स। ओके, मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाय एट प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन एट सेवन सिक्स फाइव थ्री सिक्स मल्टीप्लाई प्लस सेवन इज इक्वल टू, आंसर क्या है, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री। ओके, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके,
वी हैव कंप्लीटेड दिस 2.3. थैंक यू.